और अब बात करते हैं चित्रकूट में हो रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की। तो भाजपा अभी से ही 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी चुनाव के रोड मैप के लिए चित्रकूट में भाजपा की 3 दिनों की पाठशाला जारी है और आज इस शिविर का दूसरा दिन है। अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज 6ठे से 10वें सत्र का आयोजन होगा। 6ठे सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। स्वतंत्र देव सिंह सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज बृजेश पाठक, दिनेश शर्मा का भी संबोधन होगा, साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आज इनका संबोधन होगा। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल 11वां, 12वां, 13वां सत्र आयोजित होगा। कल सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 5 सत्र हुए थे, तो आज और कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। कई जो दिग्गज हैं वो आज संबोधित करेंगे। तो भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है आज। कई दिग्गज जो नेता हैं आज संबोधित करेंगे शिविर को। धर्मनगरी चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन 5 सत्रों का आयोजन किया गया और पार्टी की रीत नीत को रिफ्रेश किया गया। पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि ये रिफ्रेशर कोर्स की तरीके से है और इसलिए रिफ्रेशर कोर्स में लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीत है वो बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एकात्म मानववाद का मुरलीधर राव ने, बीजेपी के नेता मुरलीधर राव ने ये सत्र लिया। हेमंत गोस्वामी ने सोशल मीडिया का राही उपयोग बताया और उसके साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बी सतीश का सत्र आयोजित किया गया। राधा मोहन सिंह ने, जिन्होंने इस सत्र की शुरुआत करी, उसमें मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों को बताया और आपको सुरक्षा के इंतजाम भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। महेंद्र नाथ पांडे, हमारा रक्षा और सामर्थ्य, रक्षा के विषय में जो यहाँ पर पदाधिकारी आए हैं, राष्ट्रीय हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में काबिज सरकार के जो मंत्री हैं और योगी सरकार में जो मंत्री हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, उन सभी को इस बारे में बताया गया। आपको साथ साथ ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस जगह पर ये प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है, वहाँ के चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है सुरक्षा के मद्देनज़र। काफ़ी अहम ये बिल्डिंग है और इसके साथ ही आज की अगर बात की जाए तो आज भी 5 सत्रों का आयोजन किया जाना है। 5 सत्रों में आज स्वतंत्र देव सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सत्र से शुरुआत होगी, जिसमें वो मोदी सरकार के गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम बृजेश पाठक मोदी सरकार की दूरगामी परिणाम वाली नीतियां बताएंगे। दिनेश शर्मा की बात की जाए तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का योगदान और इसके साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी मोदी सरकार की विदेश नीति के बारे में सत्र में बातचीत करेंगे और रमापति राम त्रिपाठी मीडिया प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, साफ तौर पर सुरक्षा के सभी इंतजामों को देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, क्योंकि बहुत VVIPs यहां पर पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री यहां पर आ रहे हैं, राज्य सरकार के मंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आखिरी जब समापन होगा इस प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का तो यहाँ पर होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर हैं, आज सेशन में शामिल होंगे और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी यहाँ पर हैं। तमाम मंत्री और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे रिफ्रेशर कोर्स बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीत क्या है, नीत क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएँ क्या हैं, उन सब के बारे में अपने पार्टी के पदाधिकारियों को बताया जा रहा है। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और देखिए भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, लिहाजा आज सुबह सुबह उन्होंने कामतगिरी पर्वत पर भगवान कामतानाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने उनसे खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चित्रकूट में चल रहा है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की है और पसीना भी खूब बहा रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं को एसी में रहने के आरोप लगते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। आप तो परिक्रमा कर रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर ली, धार्मिक आस्था का पालन भी कर लिया, पसीना भी बहा रहे हैं और कुछ नेताओं पर एसी में रहने के आरोप लगते हैं। देखिए, हम सब भगवान के भक्त हैं और जो भक्त होता है उसे ठंडी, गर्मी और बरसात प्रभावित नहीं करती है। ये परमात्मा कामतानाथ स्वामी जी की कृपा है और उस कृपा के कारण से ही चित्रकूट धाम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है और परिक्रमा का कार्यक्रम कल शाम को भी पार्टी के काफ़ी लोगों ने किया है। मैं थोड़ा देर में आया तो मैं सोचा आज सुबह सुबह मैं कर लूँ, तभी प्रभु की कृपा से पूरा करने का कार्य हो गया है।
और फिर प्रार्थना करते करके जा रहे हैं कि जल्दी फिर से बुलाएं। मतलब 3 दिन का मंथन होने हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2024 को लेकर के, लगता है क्या लेकर के निकलेगा यहाँ? जो मंथन के बाद निकलेगा बाद में बताएंगे आप। मंथन से पहले अगर बात की जाए तो बहुत चर्चा भी है अन्य दलों में, अन्य दल जो है अभी तक गठबंधन में बिछड़ रहे हैं, साथी आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप लोग 2024 के मंथन में जुड़ गए। नहीं तो हम उनके कारण से अपनी योजना न बनाते हैं, न रोकते हैं, न चलाते हैं, ये तो हमारे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। 2024 के लिए क्या कहेंगे, क्या टारगेट है? 2024 में मुझे पूरा विश्वास है भगवान कामतानाथ स्वामी की कृपा से 75 से कम नहीं, 80 से ज्यादा नहीं, यूपी के अंदर। तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात को कहते हुए कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करके आए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एसी में बैठते हैं वो एसी में बैठे रहें, लेकिन उनका कार्य प्रभावित नहीं होता। राजनीति में सब कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से आगे बढ़ रही है और प्रशिक्षण वर्ग में मंथन हो रहा है 2024 के लिए। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए ट्रेनिंग वाला ट्रेलर क्या कुछ खास इसमें रहा है शुरुआती दौर से और आखिरी दिनों में क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है आपको ग्राफिक के जरिए समझा देते हैं। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, पहले दिन 5 सत्र हुए थे, आज 6 से 10 सत्र का आयोजन होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज 6 से 10 सत्र का आयोजन के साथ ही 6 सत्र की शुरुआत 11:15 से होगी। केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन पर इस सत्र में चर्चा होगी। स्वतंत्र देव सिंह आज इस सत्र को संबोधित करेंगे, बृजेश पाठक, दिनेश शर्मा का भी आज संबोधन होना है और इसी के साथ साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आज संबोधित करेंगे। कल की अगर बात की जाए तो कल 11वां, 12वां और 13वां सत्र आयोजित होगा। कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे। तो ये पूरा ब्यौरा रहा है शुरुआती दौर से आखिरी दौर तक क्या कुछ रहने वाला है सत्र में और किन मायनों से ये सत्र खास रहने वाला है आज के दिन और कल के दिन, ये भी आप समझ सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ट्रेनिंग वाला ट्रेलर है 2024 की तैयारियों में अभी से भाजपा जुड़ गई है, कई जो बड़े दिग्गज हैं आज वो इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का, चित्रकूट से वो सीधा जुड़ेंगे और आज के सेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि क्या सोच करके आज के सेशन डिवाइड किए गए हैं, किस किस को ये जिम्मेदारी मिली है, किस किस टॉपिक पे आज लोगों को खासकर कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, रणनीति तैयार करनी है। रतीश बिल्कुल देखिए मंथन हो रहा है धर्मनगरी चित्रकूट में, मंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, वो सभी यहां पर आएंगे। आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि यहीं पर उनके साथ मंथन किया जाएगा, उनको पार्टी की रीत नीति बताई जाएगी। लेकिन 5 सत्र होने हैं आज, स्वतंत्र देव सिंह का सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सबसे पहला सेशन होना है और सेशन में जिम्मेदारी भी उनके पास है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी है, उसके बारे में मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में वो बताएंगे। और देखिए तमाम जो नेता हैं, सुनील बंसल आ गए हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बहुत सारे नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम नेता पहुँच रहे हैं। लेकिन रीत और नीत के साथ साथ आपको धर्मपाल सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मपाल जी, मंथन हो रहा 2024, एक एक करके सबको, दोनों सब आ जाओ सब। 2024 के लिए जो मंथन हो रहा है, तमाम नेता तो अभी उलझ रहे हैं, गठबंधन बन रहा है, बिखर बिछड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, बूथ पर संगठन मजबूत हो इसके लिए प्रशिक्षण शिविर कल से चल रहा है और कल तक चलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी 80 में 75 पहले जीते हैं लेकिन अब 80 का लक्ष्य है, इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। अच्छा, इस बार क्या लाइन ऑफ एक्शन कुछ चेंज किया गया है, मतलब किस तरह से, किस वोट बैंक पर या विपक्षी पार्टियों के कोर वोट बैंक पर टारगेट करने की स्ट्रेटजी है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है यथा नाम तथा गुण, भारत में रहने वाली जितनी भी जनता है भारतीय जनता पार्टी उसको अपने से संबद्ध करते हुए राजनीति करती है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे काम किया। इस बार कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा सबसे पहले आप लोगों ने ही कर ली है और लोगों को आने देंगे या पीछे धकेल? देखिए वैसे तो जे पर विपदा पड़त है वही आवत इस देश, कौन सी विपदा है? अब विपदा ये है कि देश की जनता को सार्वभौमिक राज्य देना। 2024 के लिए आपके सामने तो कोई विपदा नहीं है? हमारे सामने नहीं, जनता के लिए देना है। मंत्री, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर कल बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम राजनीति को श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहते हैं।
धर्मपाल सिंह देखिए अपनी बात को कहते हुए और राजनीति किस तरह से देश में करनी है इसके बारे में भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन आज के जो सेशन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र देव सिंह हैं, रमापति राम त्रिपाठी हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, दिनेश शर्मा भी आएंगे और सबको जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को लेकर के बीजेपी क्या करती है ये दिनेश शर्मा बताएंगे, या विदेश नीति के बारे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिम्मेदारी दी गई है। डिसाइड है किसके जिम्मे है, किसे क्या कहना है, ये सब कुछ तय है। रणनीति क्या है ये भी स्पष्ट कर दी गई और यही से हर एक बूथ को साधने की रणनीति तैयार हो रही है। तमाम चीजों पर आप नजर बनाए रखिएगा। रतीश, फिलहाल जो जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।